शहर में गणेश उत्सव की धूम है। छोटे बड़े पंडालों में नन्ही से लेकर बड़ी मूर्तियां जो हैं विराजमान हैं। इनका दर्शन कर शहरवासी धन्य हो रहे हैं। स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर, मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हॉस्टल में अव्यवस्था से नाराज स्कूली छात्राओं ने किया चक्काजाम, अधीक्षिका पर लगाया गंभीर आरोप। जमीन खोने वाले अन्नदाताओं ने फील ग्रुप के खिलाफ खोला मोर्चा, नौकरी नहीं देने से प्रभावित धरने पर बैठे। व्यापार विहार में बनाया अघोषित कचरा डंपिंग यार्ड, ठेका कंपनी की मनमानी से एक क्षेत्र में फैल सकती है महामारी। और गणेश उत्सव की धूम के बीच डीजे संचालक गए हड़ताल पर, प्रशासन पर व्यवसाय खत्म करने का लगाया आरोप। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक में शासकीय कन्या छात्रावास की छात्राओं ने सोमवार को चक्का जाम कर दिया। इससे बिलासपुर मस्तूरी बलौदा बाजार मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लग गई। छात्राओं ने प्रदर्शन के दौरान हॉस्टल अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला पचपेड़ी के शासकीय माध्यमिक शिक्षा मिशन कन्या छात्रावास का है। छात्राओं ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर मस्तूरी बलौदा बाजार मार्ग जाम कर दिया। उनका आरोप है कि हॉस्टल में उन्हें गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में साफ पानी, खेल सामग्री, पोषण युक्त भोजन, कंप्यूटर और लाइब्रेरी की सुविधाएं शामिल हैं। छात्राओं ने यह भी शिकायत की है कि उन्हें एक्सपायरी अनाज पकाकर परोसा जाता है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दवाइयों की कमी पर भी छात्राओं ने सवाल किया है। इसके साथ ही छात्राओं ने हॉस्टल अधीक्षिका पर संगीन आरोप लगाते हुए उनका अश्लील वीडियो बनाने और धमकाने का भी आरोप लगाया है। इस विरोध के चलते छात्रावास में तनाव का माहौल बना हुआ है। जहां हमें एक्सपायर नाश्ता दिखाया जाता है, बिना कपड़ों के हमारा वीडियो बनाने का धमकी दिया जाता है, और हमारे भी को जो नाश्ता आता है उसको भी नहीं करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को कैसे भी ट्रांसफर करें, इधर छात्राओं के आक्रोश और आरोप के बीच मस्तूरी बीईओ ने पूरे मामले से जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया। मामले की जानकारी मिलने पर उन्होंने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। ये मामला बीईओ के द्वारा मुझको बताया गया कि वहाँ की कस्तूरबा गांधी है आवासीय 100 सीटर छात्रावास है लड़कियों का, जहाँ के लड़कियाँ चक्का जाम किए हुए हैं। तो कारण उनका बताया गया कि अध्यक्षिका को हटाने के लिए अध्यक्षिका के द्वारा ठीक से खाना वगैरह नहीं दिया जाता है, और ऐसा करके कई विभिन्न बिंदुओं पर उसने शिकायत किए हैं। यहाँ से जो प्रभारी हैं श्री अनिल तिवारी जी, उनको भेजा गया है और वहाँ जाकर वो सब पंचनामा वगैरह कर रहे हैं कि क्या बात है, कैसा है। उनका प्रतिवेदन भी प्राप्त किए हैं वहाँ से आने के बाद, और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। छात्राओं के चक्का जाम करने की खबर तेजी से फैल गई। तहसीलदार माया अंचल लहरे मौके पर पहुंची। उन्होंने पहले छात्राओं की समस्याएं सुनी, फिर उन्हें चक्का जाम खत्म करने समझाइश दी। इस दौरान एक घंटे तक सड़क पर वाहन खड़े थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। साप्ताहिक जन दर्शन में मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम जोंधरा की सरपंच माधुरी रात्रे सहित ग्रामीणों ने खूंटा घाट का पानी छोड़ने गुहार लगाई। ग्राम पेंड्रीटी निवासी कुमारी रजनी धित लहरे ने पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में आवासीय सुविधा दिलाने मांग की है। बेलतरा तहसील के ग्राम पथरापाली निवासी कुमारी सीमा कंवर ने अपने पूर्वजों के समय से शासकीय खेती किसानी की जमीन से बेजा कब्जा हटाने की गुहार लगाई है। कोटा ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बाना बेल स्कूल से सेवानिवृत्त प्रधान पाठक भगवान सिंह पैकरा ने पारिवारिक समस्या का हवाला देकर अपने लंबित पेंशन का प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही करने कलेक्टर से निवेदन किया है। इसके निराकरण के लिए मामला देखने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा है। इसी तरह ग्राम रमतला निवासी बेलहिन भाई सामरा ने बताया कि पिछले 3-4 महीने से निराश्रित पेंशन की राशि नहीं मिल रही है। कलेक्टर ने संयुक्त संचालक समाज कल्याण को पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। और इधर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात में रेल सुविधाओं पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास में नई रेल परियोजनाओं और सुविधाओं का साथ मिलने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के भीतर रेलवे की नई परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को 20,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा।
कोविड-19 के दौरान से बिलासपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों में बंद स्टॉपेज बहाल किया जाएगा। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकतम ट्रेनों के ठहराव के लिए श्री साहू को आश्वस्त किया है। रायगढ़ से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलाई जा रही गोंडवाना एक्सप्रेस का विस्तार हरिद्वार तक करने और गरियाबंद जिले के देवभोग में रिजर्वेशन काउंटर खोलने की मांग केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की है। कोनी से लगे निर्तु घुटकू में संचालित फील पावर और स्टील लिमिटेड के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। किसान परिवारों का आरोप है कि कंपनी के द्वारा उन्हें नौकरी दिए जाने की बात कही थी, लेकिन 10 साल बाद भी इस पर जो है अमल नहीं किया है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। निर्तु घुटकू के किसानों को 10 साल पहले सुनहरा सपना दिखाकर फील ग्रुप ने उनकी जमीन अधिग्रहित करों से खरीद लिया। किसानों से कहा गया था प्लांट खुलने पर 50% स्थानीय लोगों को यहां रोजगार दिया जाएगा, साथ ही गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के लिए कंपनी पैसा खर्च करेगी। बीते 10 सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास तो दूर, जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित कर प्लांट खड़ा किया गया उन्हें नौकरी तक नहीं दी गई। प्रभावित किसानों का कहना है कि उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ में जिन लोगों को प्लांट में नौकरी दी गई उन्हें 200 रुपए की दर से गुलाम मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा है। पहले क्या हुआ, इन लोगों ने हमको वादा किए थे जनसुनवाई में कि जिनकी जिनकी ज़मीनें जा रही है उन सारे लोगों की ज़मीन के घर में किसी सबके जो पढ़े लिखे रहेंगे उनकी योग्यता अनुसार हम इनको नौकरी पर रखेंगे, ये वादा किया हुआ था जनसुनवाई में इन्होंने किए हुए थे। परंतु आज शुरुआत की इन्होंने कोलवासरी से, आज इन लोगों ने बड़ी पावर प्लांट भी लगाए, स्टील प्लांट भी लगा रहे हैं, परंतु यहाँ पर सिर्फ बाहरी लोगों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। गाँव के पढ़े लिखे जो है बेरोजगार हो गए हैं। पहले इनके पास ज़मीन था तो कम से कम वो खेती बाड़ी करके अपनी रोजी रोटी तो चलाते थे, परंतु आज जमीन लेने के बाद भी इन लोगों के पास अब किसी प्रकार का रोजगार नहीं होने के कारण आज दर दर भटक रहे हैं। माँ बाप पढ़ाते किस लिए है कि हमको यहाँ पर नौकरी मिले। खेती किसानी कर जीवन सुख से व्यतीत कर रहे किसानों के सामने अब आर्थिक तंगी छाई है। नौकरी का सपना संजोए किसान परिवारों को जब रोजगार नहीं मिला तब वह फील ग्रुप के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों और फील ग्रुप के संचालक प्रदीप झा आमने सामने हुए, लेकिन दोनों में आक्रोश के कारण बात नहीं बनी। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के खुलने से क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ ही फसल को भी नुकसान हो रहा है। जैसे मैं यहाँ 10 साल का अनुभव रखता हूँ पावर प्लांट का, मैं 5 कंपनी में काम किया हुआ हूँ। जब भी यहाँ इंटरव्यू के लिए गया हूँ यहाँ सेलेक्टेड था, लेकिन किस कारण यहाँ नहीं रख रहे हैं, सीधा बोल दिया जा रहा है कि लोकल आदमी को यहाँ रोज काम में नहीं रखेंगे। यहाँ तक मैं प्रबंधक जी से भी मिला हूँ, देखते हैं बोल के अभी तक कुछ नहीं किया। फील ग्रुप ने यहाँ करीब 200 एकड़ में अपना साम्राज्य स्थापित किया है, लेकिन जिन किसानों को प्लांट खुलने के पहले सुनहरा सपना दिखाया गया अब वो छला महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है मांगे पूरी नहीं किया जाता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शिवसेना ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने बताया कि हिंदू राष्ट्र की मांग देश में समान नागरिक संहिता और नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने समेत गौ हत्या पर सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। हाल ही में प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन के बाद शिवसेना बड़े स्तर पर केंद्र सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेगी। इस दौरान शिवसेना के समर्थक और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में हमारा 25 जगह पर 28 जगह पर हमारा ये धरना प्रदर्शन होने वाला है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके, और इसके बाद में दिल्ली में एक भव्य प्रदर्शन हम लोग का होगा जिस मांगों को लेके हम लोग आगे जाके प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक को ज्ञापन दे रहे हैं। ये प्रदेश में 20 जून से चालू हुआ है और 4th धरना है जिले का, प्रत्येक जिले में देने का शिवसेना ने निर्णय लिया था। इसमें प्रमुख मांग है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए भारत को, और जो गौ सेवा गौ हत्या को बंद किया जाए, गौ तस्करी जो है उस तस्करों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए।
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में ऑनलाइन सदस्यता जोड़ो अभियान चला रहा है। इधर बिलासपुर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राकेश शर्मा को किसी ने भाजपा की सदस्यता दिला दिया। जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। सिविल लाइन थाने में बैठे यह हैं जिला शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राकेश शर्मा। इनकी शिकायत यह है कि इनको किसी ने भाजपा में शामिल कर दिया है। मोबाइल पर ऑनलाइन सदस्यता का मैसेज मिलने के बाद राकेश शर्मा ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। उनका कहना है कि उनकी छवि धूमिल करने किसी ने यह कृत्य किया है। मामले में थाना प्रभारी प्रदीप आर्या ने शिकायत लेकर जांच साइबर सेल को भेज दिया है। राकेश शर्मा जी ने थाना उपस्थित आकर एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके मोबाइल को लेकर किसी अन्य व्यक्ति ने उनकी भाजपा में सदस्यता दर्ज कराई है। इस संबंध में उन्होंने अपना आवेदन दिया है और जांच चाहते हैं, जांच पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राकेश शर्मा को शक है कि उनके आसपास बैठे किसी शरारती तत्व ने उनके मोबाइल से ऑनलाइन सदस्य बनाया है। बहरहाल पुलिस शिकायत लेकर मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अपनी सहूलियत के लिए ठेका कंपनी ने स्थानीय लोगों की जान खतरे में डाल दिया है। व्यापार विहार में रेलवे ट्रैक तक कचरे का अंबार लगा है। इससे उठती तेज बदबू से वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। सबसे ज्यादा खतरा ट्रैक के दूसरी तरफ इंद्रपुरी बस्ती में रहने वाले लोगों को है। व्यापार विहार में तारामंडल और रेलवे ट्रैक के बीच सड़क तक कचरा फैला है। बगल में बाउंड्री वॉल घेर कर अघोषित डंपिंग यार्ड बना दिया है, जहां दिन भर ठेका कंपनी के कर्मचारी वाहनों में भरा कचरा इसमें खाली कर देते हैं। अब यहां कचरे का अंबार लगा दिया है। इससे उठती दुर्गंध पूरे वातावरण में फैल गई है। सबसे ज्यादा खतरा ट्रैक के दूसरी तरफ इंद्रपुरी बस्ती वालों को है। कई बार विपरीत और विकट परिस्थितियों में हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, उसमें से एक ये ताज़ा मामला हम आपके सामने ला रहे हैं। मेरा यहाँ पर खड़ा होना बड़ा ही मुश्किल है। सड़ांद मारती बदबू जो है यहाँ से उठ रही है। मेरे ठीक सामने तारामंडल है और मेरे पीछे की तरफ आप जो देख रहे हैं ये व्यापार विहार का वो एरिया है जहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सड़ा गला कचरा पूरे शहर का निकला हुआ जो है गंदगी यहाँ पर जो है यहाँ डंप की गई है। और इस कचरे के ढेर की उस तरफ जिनका जीना हराम हो चुका है वो इंद्रपुरी वासी कहलाते हैं। जी हाँ, इंद्रपुरी के लोग जो हैं यहाँ से उठती तीव्र गंध से बेजार हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। कई बार सड़ांद मार रही है, बदबू उठ रही है, यहाँ खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। इंद्रपुरी वासियों की व्यथा जो है वो हम आपको इस चैनल में, इस न्यूज़ चैनल पर इसी खबर में आगे हम आपको दिखाते हैं। हवा में फैले तेज बदबू से यहाँ रहने वाले लोग परेशान है। डेंगू और स्वाइन फ्लू से बीमार पड़कर मौत की खबरें रोज मिल रही है। इससे श्रमिक परिवार उनकी बस्ती के नजदीक कचरा डालने से नाराज हैं। उनका कहना है संक्रमण फैलने से उनकी जान को खतरा है। शहर से लाला के इधर कुड़ हो रहे हैं, कचरा हो सब बदबू आ रहे हैं, मोहल्ला में बीमारी फैल रहे हैं सर। हाँ, सब लाला के कुकरी मुर्गी सब गाय गरुआ मरे जानवर सबको फेंक देते हैं इधर लाला के। ये कौन सा बस्ती है और कितने लोग वो उधर शहर से आ रहे हैं बिलासपुर से? ये कौन सा? ये इंद्रपुरी है। हम लोग को यहाँ रहते हुए 20 से 25 साल हो गया है और अभी कुछ साल पहले से यहाँ नगर निगम के द्वारा पटरी के उस पार शहर के सारे कचड़ों को ला के यहीं डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ स्मेल आ रही है गंदी और हमारा आवागमन भी वहीं से है। तो उससे वजह से हम लोग को गंदगी का सामना करना पड़ता है और इस बीमार पड़ने का भी संभावना है। आए दिन अभी हमारे एरिया की बात किया जाए, एक ही फैमिली में तीन मेंबरों का इतना फीवर आया 3-4 दिन तक। और ये सब ये गंदगी जो है ना, जो नगर निगम के द्वारा यहाँ पे कूड़ा कचरा यहाँ पे लाया जा रहा है उसी के वजह से है। और इसके वजह से पूरा पालतू जानवरों को ले लिया जाए, पालतू जानवरों को भी यहाँ पे बोरे में भर के रख देते हैं। हाँ, इतना बदबू आता है और सबका क्या है, आना जाना सबका वहीं पे लगा हुआ है। तो इससे ज्यादा क्या है, प्रॉब्लम रहने वालों की ही हो रही है। बताया जाता है नगर निगम ने ठेका कंपनी राम के को छोटे वाहन खाली करने 10,000 फीट एरिया दिया है, लेकिन उसने अघोषित रूप से पूरे इलाके को डंपिंग यार्ड बना दिया है। ये देखकर स्थानीय पार्षद श्यामलाल हैरान और परेशान है।
शिकायत के बाद भी कचरे का तेजी से उठाव नहीं किया जाता, जिससे साल भर से ये स्थिति बनी हुई है। उन्होंने इंद्रपुरी बस्ती पर मंडराते खतरे को लेकर नगर निगम आयुक्त समेत स्वास्थ्य अधिकारी को आगाह किया है। आवागमन का साधन नहीं होने के कारण मजबूरी में लोगों को यहाँ से आवागमन का रास्ता करना पड़ रहा है, जिससे आए दिन देख रहे हो कि उल्टी दस्त डायरिया जैसे खतरनाक बीमारी का सामना कर रहे हैं लोग। तो कल कुल जा की स्थिति को देखते हुए मैं तो कहना चाहूँगा कि ये नगर निगम एक तरफ सवेरे 6 बजे स्वच्छता अभियान करके लोगों को जगाया जाता है, और आज यहाँ देखो तो ऐसा गंभीर बीमारी का समस्या होने के वजह से भी कोई उसको नगर निगम इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। ठेका कंपनी ने अपनी सहूलियत के लिए स्थानीय लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया है। श्रमिक परिवार ठेका कंपनी के कर्मचारियों की दादागिरी के आगे कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे स्थिति कभी भी बेकाबू हो सकती है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पुराना बस स्टैंड में राहुल सिंह की हत्या की घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी दीपक सिंह ने फिर एक युवक पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस से आंख मिचौली खेल रहे हत्या का आरोपी दीपक सिंह पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है। सरगंडा थाना क्षेत्र की चिंगराजपारा अमरैया चौक के पास हत्याकांड का आरोपी दीपक सिंह ने अपने दोस्त गोलू को नशीला इंजेक्शन नहीं देने पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। मामले में पीड़ित ने सरगंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि चिंगराजपारा के रहने वाले युवक पर हत्या के फरार आरोपी ने इंजेक्शन देने से मना करने पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। लगातार 2 वारदात अंजाम देने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने टीम बनाई है, जो लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। चिंगराजपारा अमरैया चौक के पास रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई कि उसे दीपक ठाकुर, जो पूर्व में हत्या का आरोपी है, उसके द्वारा चाकू से मारकर घायल किया गया है, जिस पर पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया है और दीपक ठाकुर की तलाश की जा रही है। उसमें पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं, एसएससीयू के साथ थाने की सरकंडा और तारबहार दोनों थाने की टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र ही हम उसको गिरफ्तार करेंगे। पुराना बस स्टैंड में हुए हत्याकांड का आरोपी पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। हालांकि पुलिस उसे पकड़ने अपने मुखबिर लगा दिए हैं, जो इस तरह फिलहाल आरोपी वारदात कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। और इधर बेलगहना के केंद्रा घाटी के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में तेलीपारा के फर्नीचर व्यापारी और 2 कर्मचारी सवार थे। कार के भीतर लगी आग देखकर चालक आनन फानन में गाड़ी रोककर बाहर निकला और व्यापारी कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई। कुछ ही समय बाद कार जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह इंजन में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम जांच करने मौके पर पहुंची। तेलीपारा स्थित अनिल फर्नीचर संस्थान के व्यापारी सुनील अग्रवाल रविवार दोपहर अपने 2 कर्मचारियों को लेकर काम के सिलसिले में पेंड्रा जा रहे थे। केंद्रा घाटी के पहले मोड़ पर अचानक कार में आग लग गई और यह हादसा हुआ। डीजे साउंड संचालक हड़ताल पर चले गए हैं, इससे गणेश उत्सव समिति का उत्साह फीका पड़ सकता है। संचालकों का कहना है कि डीजे पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर संचालक कह रहे थे, पिछले दिनों अधिकारियों ने बैठक में 75 डेसिबल तक डीजे बजाने अनुमति दिया था, जबकि इतने पर केवल 1 साउंड ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अपने व्यवसाय के प्रति प्रशासन की सख्ती मानकर डीजे की बुकिंग नहीं लेने का फैसला किया है। सभी हड़ताली संचालक सोमवार को कुनेर गार्डन के पास एकत्र हुए और चर्चा कर नाराजगी जाहिर करने पर अडिग रहने तय किया। प्रशासन हम लोग की बैठक ली मंथन में, उसमें यह बोला गया कि आप 75 डेसिबल से ज्यादा साउंड नहीं चला पाएंगे, ठीक है। जबकि साइलेंट जोन में ही कलेक्टेड में हम लोग डीपी मीटर से चेक किए, 79 जा रहा है। हमारी मांग ये है कि यदि साइलेंट जोन ही 75 डेसिबल से ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पे, जबकि साउंड सिस्टम लगा ही नहीं है, जब साउंड सिस्टम जहाँ पे लग रहा है और वहाँ पे यदि चेक करें साइलेंट जोन में अपना डीपी मीटर से, उसके बाद हमारा जो 75 डेसिबल है उसमें प्लस किया जाए। ऐसा है कि हम लोग को जब जब फेस्टिवल आता है हिंदुत्व वाला, तब से हम लोगों को तकलीफ़ आना चालू हो जाता है। जितने भी भाई लोग हैं साउंड सिस्टम से रिलेटिव जुड़े हुए हैं, या 2 बक्से क्यों ना हो,
सब भाई लोग को तकलीफ़ हो रहा है, और जितना भी मतलब प्रशासन से गाइडलाइन निकाले हैं 75 कभी 75 डिजिबल बोल रहे हैं तो कभी 55 बोल रहे हैं, साइलेंट जोन में ही तो 100 जा रहा है, साइरन का वॉल्यूम भी इतना ही जा रहा है डीबी मीटर में, तो हम लोग क्या बजाएंगे भैया? अगर हम लोग मुँह से गाना गाएंगे थोड़ी ना उन लोग डांस करेंगे, तो हम लोग को कम से कम इतना सिस्टम दे दें कि हम लोग संतुष्टि से अपना काम करें, हम लोग प्रशासन के साथ चलेंगे, प्रशासन के अगेन नहीं जाएंगे। यहाँ बोलते हैं कि एंगल में नहीं बांधना है, गाड़ी के अंदर रखकर डीजे बजाइए। मैं उस दिन गाड़ी के अंदर रखकर 4 बॉक्स बजा रहा था, उसके बाद भी और इतना कम साउंड में था, उसके बाद भी मेरा चालान काटा गया और बड़ा बड़ा सेटअप कई जगह चल रहा था। अब ये दुआ भेदी वाला काम भी यहाँ चल रहा है, तो और हम चाहते हैं और जो बैन कर रहे हैं, हम लोग को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, बोले डीजे पूर्णिता बंद है और हम लोग को परमिशन नहीं दे रहे हैं, बोले डीजे नहीं बजाना है। दुर्ग के एक गणेश पंडाल में हुई 3 सगे भाइयों की हत्या के बाद बिलासपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जिले में ऐसी कोई वारदात न हो इसके लिए एसपी रजनेश सिंह ने सभी राजपत्रित अधिकारियों की बैठक लेकर गणेश पंडालों की विशेष रूप से मॉनिटरिंग करने निर्देश दिया है। इसके बाद जिले के राजपत्रित अधिकारियों ने भी एसपी के आदेश का पालन करते हुए सभी थानेदारों को गणेश उत्सव समिति की बैठक लेकर पंडालों और आसपास के क्षेत्र में गणेश उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से मनाने कहा है। गणेश विसर्जन में डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यदि नियमों का उल्लंघन करते कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी डीजे संचालकों और गणेशोत्सव दुर्गोत्सव समिति के संचालकों की मीटिंग ली गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं प्रशासन के प्रावधानों से अवगत कराया गया था और उसके अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति लेकर करने हिदायत दिया गया था। अभी जो है सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है, थाना स्तर पर जो है सभी अपने अपने क्षेत्र में ऐसे जो गणेशोत्सव दुर्गोत्सव समितियां हैं उनका मीटिंग लें, उनको अवगत कराएं और उनको ये बताएं कि नियम विरुद्ध कार्रवाई न करें और किसी भी प्रकार से नियमों के उल्लंघन पर पुलिस के द्वारा जो है विधिवत कठोर कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत आदित्यपुर स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण इतवारी टाटानगर पैसेंजर को बीच रास्ते में समाप्त किया जा रहा है, जिसके कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इंदौर पुरी हमसफर एक्सप्रेस में यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है, रेलवे ने इस ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। नेपाल के पोखरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिनी ओलंपिक खेल में बिलासपुर रेलमंडल में पदस्थ टीएस प्रकाश राव ने भारत और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर पदक हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से भारतीय रेल और बिलासपुर मंडल का गौरव बढ़ा है। नेपाल में 31 अक्टूबर से 4 सितंबर तक आयोजित इस खेल स्पर्धा में नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत समेत अन्य देशों के लगभग 2000 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ से टीएस प्रकाश राव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया और भाला फेंक में रजत पदक जीता। बिलासपुर पहुंचने पर परिजनों और रेलवे के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री राव ने बताया कि पूर्व में वे भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं, 5 सालों से भी पावर लिफ्टिंग में कड़ी मेहनत कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने बिलासपुर जोन और मंडल के अधिकारियों, टीटी और चेकिंग स्टाफ के अलावा परिजनों का सहयोग के लिए आभार जताया। 5 साल से मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू से मुझे इस 2024 में इंडिया टीम से सिलेक्शन मिला, जिसका आयोजन नेपाल में पोखरा में हो रहा था, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और आपका अफगानिस्तान और नेपाल टीम और हमारी इंडिया टीम रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसमें से 2 से 2500 प्लेयर्स आए थे, जिसमें मैंने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया और आपका एथलेटिक में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल है और शॉट पुट में गोल्ड मेडल है और आपका जैवलिंग थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया अपने इंडिया के तरफ से और छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए रेलवे के तरफ से गया मैंने। गणेश उत्सव को लेकर शहर में गजब का उत्साह है, जगह जगह आकर्षक पंडाल, लाइटिंग और विभिन्न मुद्रा में विराजे गणेश जी की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के स्वागत में शहर की विभिन्न जो पूजा समितियां हैं उनके द्वारा आकर्षक पंडाल सजाए हैं जो इस उत्सव में चार चांद लगा रहे हैं। आइए हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रथम पूज्य के दर्शन कराते हैं।